इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई से। रोजगार सहायक संघ द्वारा आज जनपद पंचायत में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रोजगार सहायक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराया। रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष लाल सिंह चौहान ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग वेतन वृद्धि और नियमितीकरण है। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो रोजगार सहायक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में मुलताई जनपद पंचायत क्षेत्र से बड़ी संख्या में रोजगार सहायक सहायिका उपस्थित रहे। इंडियन टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ नई मामू की रिपोर्ट। बहन जी बताएं। हीरा फरकाड़े, ग्राम रोजगार सहायक दुनावा। किस मांग को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया ये बताएं। एक तो हमारी वेतन वृद्धि के लिए और एक हम लोगों को नियमितीकरण। तो क्या मांगे हैं जो आप पूरी कराना चाह रहे हैं, वेतन और नियमितीकरण? हाँ, अगर ये मांगे आपकी पिछले कई वर्षों से नहीं मानी गई है, आगे भी नहीं मानी जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल पे जाएंगे आप लोग? लाल सिंह चौहान जी, अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन जनपद पंचायत मुलताई। किन मांगों को लेके आज का जो आपने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किए, ये हमारी मुख्य मांग है। 2017 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, मात्र 9000 रुपए में लगभग 45 योजनाओं का हम क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में जमीन स्तर पर करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आपने ज्ञापन किसके नाम से सौंपा है? ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से सौंपा है। अगर इसमें भी कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे आपके क्या कदम रहेंगे? हमारी 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो नहीं बना ले रहे, कौन कौन बोल रहा है उस पर ध्यान। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।